हाउ टू स्टडी जेएलपीटी N2। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई नॉट हाउ टू स्टडी जैपनीज, हाउ टू स्टडी N2। देखिए जैपनीज जब हम बोलते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जैपनीज लैंग्वेज में एडवांस लेवल और बेसिक लेवल होता है, और बेसिक लेवल को कहते हैं N4 या फिर कह सकते हैं N5, और एडवांस लेवल को कहते हैं N3 या N2। तो देखिए N2 को पढ़ने में और N5 को पढ़ने में क्या डिफरेंस है। N5 यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल हम स्टार्ट करते हैं, हीरागाना, काताकाना, कांजी, उसमें हमें JLPT के बारे में उतना नहीं पता होता, और बाद में हमें पता चलता है कि JLPT का फॉर्मेट क्या है। लेकिन N2 जो लोग अपीयर कर रहे हैं उनको पहले से ही पता है कि इस एग्ज़ाम में आता है मोजीगोई, दोक्काई, चोकाई, बुम्पो। तो इन चार सेक्शंस के हिसाब से अगर हम पढ़ पाएँ तो ही हम सक्सेसफुली N2 को पास कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है यही बताने के लिए है कि हम किस तरह से जापानीज लैंग्वेज को स्टार्टिंग में बिल्कुल एक जेनरिक लैंग्वेज की तरह सीख सकें, और उसके बाद फिर हम JLPT के फॉर्मेट की तरह सीख सकें। स्टूडेंट्स का हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि JLPT के अंदर N3 N2 किस तरह से डिफरेंट होता है N4 और N5 से। तो हमारे स्टूडेंट, हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर हम यही चीज़ की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं N1 के बैच की बात करूं तो स्टूडेंट्स, क्योंकि N2 के अंदर तो N3 से ही जॉब मिलनी शुरू हो जाती है, N2 पास करने के बाद जॉब वो और भी अच्छी हो जाती है, तो N1 के स्टूडेंट्स मेरे पास 3 या 4 या 5 ही होते हैं जो कि कहते हैं कि सर मुझे N1 इसलिए क्लियर करना है क्योंकि मैं अपनी क्वालिफिकेशन को इतना अच्छा करना चाहता हूँ कि मैं किसी को कह पाऊँ कि मेरे पास N1 है। तो मेन क्वेश्चन ये रहता है कि N2 को कैसे क्लियर करें। चलिए तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि N2 को हमेशा सेक्शन वाइज पढ़ें, जैसे कि मोजीगोई, दोक्काई, चोकाई और बुम्पो। जो लोग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते हैं N2 क्या होता है, N3 क्या होता है, N4 क्या होता है, N5 क्या होता है, बेसिक, एडवांस, ये सब क्या है, उन स्टूडेंट्स को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमें हमेशा JLPT के अकॉर्डिंग डिवाइड करके पढ़ना होता है और उसमें ये सेक्शंस होते हैं। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम N2 सीखते सीखते ये भी सीखेंगे कि हर सेक्शन को अलग तरीके से कैसे सीखा जाए। वेलकम टू Nihongomax, मेरा नाम है रवि। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मोजीगोई से। मोजीगोई का मतलब होता है वोकेबलरी, और वोकेबलरी आपको अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीकों से पूछी जाती है। जैसे कि अगर कांजी है तो उस कांजी का रीडिंग और मीनिंग, रीडिंग पूछी जाएगी। जैसे कि आपने JLPT का पेपर अटैम्प्ट किया होगा तो पता चल गया होगा आपको कि रीडिंग पूछी जाती है। उसके बाद मीनिंग कैसे पूछा जाता है, एक सेंटेंस में फिट करके मीनिंग पूछा जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ केजाई, तो केजाई का मतलब होता है इकोनॉमी, तो वो फिलिंग द ब्लैंक्स करके केजाई का मीनिंग आ सकता है इकोनॉमी। इसी तरह से जैसे कि वर्ड होता है मोताइनाई, मोताइनाई का मतलब होता है वेस्टफुल, लेकिन वेस्टफुल इंग्लिश मीनिंग से याद, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि इंग्लिश मीनिंग से याद करके वेस्टफुल आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सेंटेंस उसका ऐसा होना चाहिए जैसे कि चुमोंश्ता ताबे मोनो ओ हाम्बुनी ताबेते नोकोरी ओ स्तेरुनोवा मोताइनाई देस। तो इस सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने खाना ऑर्डर करा है उसको आधा खाने के बाद बचा हुआ खाना अगर मैं फेंक देता हूँ तो ये मोताइनाई है। अब हमें पता चला कि इसका मतलब होता है वेस्टफुल। तो जब भी पढ़ाई करें तो इस तरह से करें कि एक वर्ड, ठीक है, अच्छी बात है, पहले मैंने इंग्लिश मीनिंग सीख लिया, लेकिन उसके बाद मैंने सेंटेंस को भी फ्रेम करना, यानी कि उस वर्ड का सेंटेंस के अंदर क्या मीनिंग असली बन रहा है वो भी मैंने सीख लिया है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन की, जो कि होता है बुम्पो। बुम्पो में जैसे फॉर एग्जाम्पल N2 के अंदर बुम्पो के पैटर्न्स होते हैं नीमो काकावाराजू, मोतोयोरी, मोनोनारा, मोनो, मोनोनो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मोनोनो और मोनोनारा, इनकी यूजेज को ही सीख के हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। मोनोनो का मतलब होता है हाउएवर, बट, लेकिन मोनोनारा लग गया तो नारा का मतलब होता है इफ, इन केस, और मोनो होता है हाइपोथेटिकल चीज के लिए। तो यानी कि मोनोनारा तब लगेगा जब हम कहते हैं कि अगर ऐसा हो सकता हो, जो कि असल में नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं दूसरा जन्म ले पाऊँ, या फिर अगर मैं किसी पक्षी का जीवन व्यतीत कर पाऊँ, तो इस तरह की हाइपोथेटिकल चीज़ों के लिए मोनोनारा पैटर्न यूज़ होता है। तो अगेन मैं यही बात कहूँगा कि मोनोनारा जैसे पैटर्न्स को भी इंग्लिश में सीखना ज़रूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में इसकी प्रैक्टिस करना। देखिए इंस्टीट्यूट में जब भी मैं क्लास देता हूँ तो क्लास में एक चीज़ को सिखाने के बाद हमेशा 4 या 5 उसके सेंटेंसेस होते हैं जो कि बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं JLPT के फॉर्मेट को समझने के लिए, और उस वर्ड के साथ साथ असली रीडिंग को समझने के लिए, असली मीनिंग को समझने के लिए, तभी आप JLPT को क्लियर कर पाते हैं। देखिए इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जैपनीज लोग जो JLPT बनाते हैं
वो यही चीज़ को टारगेट रख के बनाते हैं कि एक स्टूडेंट ने क्या वो इंग्लिश में याद किया है, क्या सच में उसको पता है कि जैपनीज़ में इसका ऐसा ही यूज़ होता है। तो आप भी आज से ही, अगर आपको जैसे आपका टारगेट है 6 महीने में मुझे N2 पढ़ना है या 1 साल में मुझे N2 कवर करना है, तो पहले दिन से ही चाहे आप बहुत थोड़ा पढ़ें, 30 मिनट 1 घंटा पढ़ें, लेकिन पूरी पूरी कोशिश करें कि मैं सेंटेंसेस के थ्रू ही उस वर्ड का असली मीनिंग जान पाऊँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं कि सर आप सिर्फ हमें मटेरियल दे दो, हम अपने आप पढ़ लेंगे। तो देखिए वो भी अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स करते भी हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग एक मटेरियल को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से उसको सेंटेंस में फिट करके असली मीनिंग निकालना है, वो चीज़ आपको समझने की बहुत ज़रूरत होती है और उसके बिना गलती भी हो जाती है। सिमिलरली जैसे कि आगे आने वाले, मतलब इसी वीडियो में आगे आने वाले पॉइंट्स में मैं आपको दोकाई और चोकाई कवर करके दिखाऊंगा। तो दोकाई किस तरह से आप गलत कर देते हैं, बुम्पो वाली ही दोकाई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो जेनरिक दोकाई होती है, लॉन्ग दोकाई होती है, लेकिन जो बुम्पो वाली दोकाई होती है जिसके अंदर आपको सिर्फ ग्रामर के ही पोर्शंस को भरना होता है, उसमें वोकेबलरी का उतना खेल नहीं होता, जो कि अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, वो भी आपको जब तक मीनिंग की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कॉन्सेप्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आप भर नहीं सकते। तो चलिए पहले उसी से शुरू करते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि अलग अलग सेक्शंस की पढ़ाई को कैसे किया जाए ताकि हम फॉर्मेट से, उसके स्टाइल से एकदम अडेप्ट हो जाएं, और अडेप्ट होने के बाद हमें ये लगे कि ये तो मेरा रोज़ का काम है, इन क्वेश्चंस को तो मैं रोज़ ही सॉल्व करता हूँ, अगर ये JLPT में भी पूछे गए हैं तो क्या हो गया, मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम दोकाई से स्टार्ट करते हैं, और दोकाई जो है ये जो सैंपल यहाँ पर दिया हुआ है ये ग्रामर वाली दोकाई है। देखिए दोकाई जो है N2 के अंदर यानी कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज काफ़ी बड़े बड़े काफ़ी सारे आते हैं, लगभग 11-12 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होते हैं, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट होते हुए ग्रामर का जो कॉम्प्रिहेंशन है वो आपको सॉल्व करना पड़ता है। जैसे ग्रामर का जो सेक्शन होता है उसके अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, जंबल वर्ड्स वगैरह, उसके बाद एंड में ग्रामर का एक दोकाई होता है, और उसके बाद फिर रियल दोकाई जो पैराग्राफ वाली दोकाई होती है वो शुरू होती है। ये स्पेशल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये सिर्फ ग्रामर के टेस्टिंग के लिए होता है कि जो पूरी स्टोरी है उसके हिसाब से जो ग्रामर पोर्शंस होते हैं, जैसे ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे पैटर्न्स की टेस्टिंग के लिए ये दोकाई बनाई जाती है। तो वैसे तो ये काफ़ी बड़ी होती है, इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर मैंने एक छोटा सैंपल इसलिए डाला है क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसको समझाने पूरा आधा घंटा लग जाएगा। चलिए फटाफट से इसको देखते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रेंडिंग समझते हैं। कोको सुनेन ओनशित्स कोका गासनो जोकानी तोमराई। कोको सुनेन का मतलब होता है इन कई सालों में, यानी कि बीते कई सालों में। ओनशित्स कोका गास, इसका मतलब होता है एमिशन गैसेज, जो गैसेज जो हैं वो जो टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बात हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की। नो जोका नी तोमोनाई, जोका का मतलब होता है इंक्रीज, और नी तोमोनाई एक तरह का ग्रामर का पैटर्न है, इसका मतलब होता है के साथ साथ, के चलते के रहते की वजह से। चीक्यू जेंताइनो कियोन गा आगाते की तेरू, तो पूरे अर्थ का जो कियोन है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, इसलिए चीक्यू जो है, देखिए चीक्यू तब आता है जब फिजिकल सेंस में यानी कि फिजिक्स की सेंस में हम बोलते हैं, अगर सेकाई है तो वो उसका मतलब होता है वर्ल्ड, सोसाइटी, लोग, लेकिन चीक्यू है तो इसका मतलब प्लैनेट अर्थ, तो जेंताई का मतलब होता है टोटल, तो सारे प्लैनेट की जो का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। सामा जामाना कुनी या चीकिनो दोरियोकुनो डैश, यानी कि अलग अलग कंट्रीज के या एरियाज के दोरियोकु यानी कि एफर्ट्स के डैश सोनो जो क्यों हुआ अक्का, अक्का का मतलब होता है डिटीरियोरेट होना यानी कि वर्सन होना, यानी कि और ख़राब होते जाना, और जो क्यों का मतलब होता है कंडीशन। तो अब हमें दोनों ही चीज़ नहीं पता कि इनके एफर्ट से क्या हो रहा है, और इतना उसने बताया कि वर्सनिंग हो रही है, तो अब हमें पता चल गया। देखिए 21 और 22 दोनों में या तो ट्रेंड अच्छा हो रहा है तो पैटर्न आएगा, और अगर ट्रेंड खराब हो रहा है तो अलग वो आएगा, तो हमें पता चल गया कि खराब हो रहा है, यानी कि 21 में आना चाहिए के बावजूद, और क्योंकि आगे खराब लिखा हुआ है, और 22 में आना चाहिए होता जा रहा है। तो इस तरह से बिना ग्रामर के आंसर को देखें, पहले हम मीनिंग को अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा गेस करते हैं हिंदी में, उसके बाद आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। जैसे स्टूडेंट्स पहले देखते हैं ऑप्शंस में क्या है, उसमें मुझे क्या भरना है, ट्रेनिंग कोशिश करिए, ऐसा करिए कि पहले बिना ऑप्शन देखे मैं अपनी एक राय बना लेता हूँ, अपना एक मत बना लेता हूँ, और अगर आपने ट्रेनिंग अच्छी करी है तो ज़्यादातर वो अच्छा ही होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि 21-22 में, अब हम एक बारी ऑप्शंस को देखते हैं। 21 में है कि साय आरेबा काई गाते, काई का मतलब होता है वैल्यू, वर्थ,
इफेक्ट रिजल्ट, तो काई का आते तो नहीं आएगा क्योंकि एफर्ट्स का रिजल्ट आया और सिचुएशन खराब हो गई, तो उल्टा मीनिंग निकल रहा है। तो इसमें फोर्थ आंसर आएगा काई मोनाक, यानी कि उनकी पूरी मेहनत का, विभिन्न देशों की मेहनत का कोई भी फल नहीं हुआ, कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, और सोनो जो कि हुआ अक्का, यानी कि खराब होती जा रही है। तो होती जा रही है का ऑप्शंस को देख लेते हैं। सुरु बकारिदा शिनाई को तो वानाई, तो सुरु बकारिदा जो है यही सही आंसर है, क्योंकि इसी का मतलब होता है कोई ट्रेंड बढ़ता जा रहा है या एक तरफ झुकता जा रहा है, इंक्लाइन होता जा रहा है, तो खराबी की तरफ झुकता जा रहा है, यानी कि खराब होता जा रहा है, सुरु बकारिदा इसमें आ गई। बारी फिर से देख लेते हैं, सामा जामाना कुनिया चीकिनो दोरियोकुनो काइमो नाकू, यानी उनके एफर्ट्स का कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा और सिचुएशन खराब होती जा रही है। एक बारी बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। 22 में जैसे शिनाई को तो वानाई, नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, तो ये चांसेस के लिए आता है, जैसे मैं शॉपिंग नहीं करता ऐसी कोई बात नहीं है, यानी कभी कभी कर लेता हूँ। थर्ड है श्तेवा नारानाई, इसका मतलब होता है कि ये करना ही पड़ेगा, श्तेवा नारानाई मतलब ये होना ही चाहिए, तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। श्तेवा इरारेनाई का मतलब, देखिए इरारेनाई का अलग से मतलब होता है मैं रह नहीं पा रहा हूँ, मैं सह नहीं पा रहा हूँ, श्तेवा इरारेनाई यानी कि मैं ये करे बिना रह नहीं पाता, सॉरी श्तेवा इरारेनाई मतलब कि ये अगर नहीं करें तो हम नहीं रह, मतलब करें तो नहीं रह सकते, यानी कि इसका असली सेंस निकल रहा है कि ये हमें नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर भी अक्का के साथ ही फिट नहीं आ रहा। तो इस तरह से ट्रेनिंग अगर आपने अच्छी करी है तो आप पैटर्न्स को बड़े आराम से एक मिनट में ही देख के पता लगा लेंगे कि उल्टा है या सीधा है। देखिए बार बार स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश के पीछे भागते हैं कि इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, अच्छी बात है इंग्लिश मीनिंग, लेकिन ये ग्रामर जो है वो ऐसे सॉल्व होती है, खासतौर पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपको सिर्फ ट्रेंडिंग पता चले कि ये हाँ कह रहा है ना कह रहा है, उसी से ही आपका आधा काम हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कोनो मामा देवा मतलब होता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो। नांग क्योकुनो कोरीगा सिबेते तोकेते शिमाऊ, नांग क्योकु का मतलब होता है साउथ पोल, अगर होक क्योकु हो यानी कि किता की कांजी हो तो नॉर्थ पोल, और मिनामी की कांजी नांग क्योकु का मतलब होता है साउथ पोल, क्योकु मतलब पोल, तो अगर इसी तरह से चलता रहा तो साउथ पोल की सारी जो बर्फ है, कोरी का मतलब होता है बर्फ, वो पिघल जाएगी, तोकेते शिमाऊ मतलब पिघल जाएगी, तो यू कोतमो आरी। अब देखिए इसमें अपने आप ही हमें सेंटेंस का मीनिंग समझ के ये पता चल गया कि आगे आएगा कि अगर सारी बर्फ पिघल, मतलब ऐसा चलता रहा तो सारी बर्फ पिघल सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो 23 में हमें पहले ये ढूंढना है कि ऐसा भी हो सकता है, कहाँ लिखा है, आरु कामोशीरेनाई आर्येनाई आरु का गिरीदा आर्यूरू, पहले इनके सबके मतलब को समझ लेते हैं। आर्येनाई का मतलब होता है इम्पॉसिबल, तो ये उल्टा हो गया। आरु कागिरीदा का मतलब होता है कि एज लॉन्ग एज, मतलब ये हो तब तक ये होगा, और आर्यूरु का मतलब होता है इट्स पॉसिबल, ये भी हो सकता है। अब आरु कामोशीरेनाई और आर्यूरु इन दोनों में काफ़ी मतलब क्लोज हैं ये, क्यों, क्योंकि आप ये भी सोच सकते हैं कि सुबेते तोकेथी शिमाऊ तो यू कोतमो आरु तो यू कोतमो आरु कामोशीरेनाई, और ये भी सोच सकते हैं कि तोकेथी शिमाऊ तो यू कोतमो आर्यूरु। अब एक बार समझ लेते हैं कि आरी उरु और आरी एरु में क्या फर्क, आरी उरु और आरी एरु एक ही बात होती है, ये भी एक एक्सेप्शन के तौर पे आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि आरी एरु का भी मतलब होता है इट्स पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, इसका भी चांस है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, और आरी उरु का भी मतलब वही होता है। एरु जब लगता है मास हटा के, जैसे आरी मास का आरी एरु बन गया है, तो इसका मतलब होता है कि ये चीज पॉसिबल है, जो भी वर्ब है, जैसे किरी एरू यानी कि ये चीज खत्म हो सकती है, लेकिन उरु जो है वो सिर्फ याद रखना पड़ेगा आपको कि आरी के साथ ही आएगा और किसी चीज के साथ नहीं आएगा, फिलहाल आप सिर्फ आरी एरू याद रख सकते हैं, ये ज्यादा चलता है, और इसका अपोजिट होता है आर्येनाई, आर्येनाई का मतलब होता है इम्पॉसिबल। तो पहली बात तो ये कि इसका आंसर है आरी उरु। अब देखते हैं कि आरु कामोशीरेनाई क्यों नहीं है, आरु कामोशीरेनाई होता है ऐसा हो सकता है, यानी कि एक चांस है कि ऐसा नहीं हो सकता, एक चांस है कि ऐसा हो सकता है, हालांकि बहुत क्लोज है, ये भी फिट हो सकता है आपको लग रहा होगा, लेकिन आर्यूरु तब आता है जब हम कहते हैं कि ये चीज़ को नेगेट नहीं कर सकते, इस चीज़ को मना नहीं कर सकते, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, इसका भी डर है, इसकी भी संभावना है। आरु कामोशी रहने का मतलब होता है जैसे कि हम कहते हैं कि पार्टी कैंसिल हो सकती है, पार्टी में वो आ सकता है या नहीं आ सकता, या फिर इस चीज़ का ये चांस है, तो किसी चीज़ के चांस के होने या ना होने के लिए आरु कामोशीरेनाई नहीं आता, और आरी उरु तब आता है जब हम कहते हैं इस चीज़ की संभावना है, इस चीज़ की जैसे 60% पॉसिबिलिटी है, 70% पॉसिबिलिटी है, मतलब इस चीज़ को मना नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हमें दोकाई में, खासतौर पर ग्रामर की दोकाई में, सबसे पहली बात कि ग्रामर
कि अचानक दोकाई से प्रैक्टिस ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले मेरी पूरी रिकमेंडेशन है कि आप सेंटेंसेस, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक वर्ड को याद रखने के लिए कम से कम 5 सेंटेंसेस उसके सिमिलर होने चाहिए, तो ग्रामर की प्रैक्टिस का भी यही फॉर्मूला होता है कि आपको एक ग्रामर पैटर्न को 5-5 सेंटेंसेस के अंदर फिट करके अगर पढ़ने को मिले, जिसको आप 3 या 4 बार रीड करें, तो वहीं पर वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। आगे आने वाले पोर्शन में मैं आपको एक सेंटेंस जो है वीडियो मोजीगोई का जो सेंटेंस है वो भी इसी तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सेंटेंस है ये बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। ये एक सेंटेंस क्यों सीखा है हमने, ये आपको ये प्रूव कराने के लिए, ये शो करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बनाया है कि इस तरह से आप एक सेंटेंस में 4 कांजी और उस तरह उन्हीं 4 कांजी के 4 सेंटेंसेज हैं जिनमें अलग अलग और कांजी हैं, तो यही तरीका है हमारे को 20 या 25 कांजी को एक ही बार में कवर करने का, और इसको कम से कम 4 बार रीड कीजिए। आसान सेंटेंस है, देखते हैं। न्यू वाक शिकेन नो मेन सेट्स नो तोकीवा, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम के इंटरव्यू के टाइम पर किंचो दे मुनेगा दोकी दोकी शिमाश्ता। किंचो का मतलब होता है नर्वसनेस टेंशन, मुनेगा दोकी दोकी का मतलब होता है मेरे दिल धक धक कर रहा था, यानी कि नर्वसनेस टेंशन से मेरा दिल धक धक कर रहा था। तो दोकी दोकी एक तरह का एडवर्ब है जिसको ओनोमेटोपिया भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है धक धक करना यानी कि घबराना, तो घबराहट के केस में दोकी दोकी यूज होगा। और इसी तरह से जो किंचो है वो एक नाउन है, तो इस तरह से वर्ड्स को अलग अलग लिस्ट बना के याद करने की बजाय सेंटेंस के तौर पे पढ़िए, तो ये फॉर्मूला मोजीगोई का होता है जो कि आपके टाइम को और मनी को बहुत सेव करता है। देखिए टाइम सेव करने का मतलब मनी सेव करना है, अगर आप एन टू को 6 महीने में पार करना चाहते हैं तो इन्हीं टेक्निक्स से चलिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके बाद हम एक छोटा सा चोकाई का भी एक सैंपल सुनेंगे, तो चोकाई में भी आपको ये सोचना है कि पहले देखिए ट्रैक बजेगा, आपको अपने आप उसको सुनना है, उसको पहले अपने आप कोशिश करनी है सॉल्व करने की, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें ये गलत क्यों है ये सही क्यों है। तो यही ट्रेनिंग चोकाई की होनी चाहिए। चोकाई जो है वो बिल्कुल टारगेट सैंपल क्वेश्चंस से अगर आप रिपीट कर करके सुने उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन को भी सुने, लेकिन बात यह है कि उसको रिपीट करें और उससे ही उन वर्ड्स को याद रखने की कोशिश करें। जैसे जिकान ओ साइते इतदाकी माशते, इसका मतलब होता है कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, तो साइते आपको किसी वोकैबुलरी में नहीं मिलेगा, आपको अपने आप चोकाई से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्पोकन एक्सप्रेशंस होते हैं तो चोकाई का भी जो मटेरियल है उसको भी शुरू से लेकर आखिर तक एक अपना डिफाइंड टाइम बनाइए, डिसिप्लिन बनाइए और उसको 3-4 बार रिवाइज करिए। यही एक तरीका होता है कैटेगरी वाइज स्टडी करके एन टू को क्लियर करने का। तो चलिए चौकाई से शुरू करते हैं। वाजा वाजा ओ जिकान ओ साइते इतादाकिमाशिता नो नी। 1 जा काईगी ओ हजिमेमाशो का। 2 ओकी नासारानाई दे कुदासाई। 3時間がないのですみません。わざわざお時間を割いていただきましたのに。わざわざお時間を割いていただきましたように。いただきましたのに。तो इसमें सभी वर्ड्स पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वाजा वाजा तब यूज़ होता है जब मैंने आपको बताया था कि स्पेशली जब आपके लिए कोई काम करता है कोई पर्सन, जैसे उसने बहुत टाइम निकाला है आपके लिए या फिर इतनी दूर से आया है, तो आप उसको थैंक्स देने के सेंस में कहते हैं वाजा वाजा। इसका मतलब होता है स्पेशली या इतनी मुश्किल से, तो स्पेशली आपने मेरे लिए टाइम निकाला। जिकान ओ साहित्य का मतलब है आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और उसके बाद एंड में उसने नोनी बोला है। नोनी का मतलब है कि वो काम हो नहीं पाया है, आपने मेरे लिए टाइम निकाला, जैसे फॉर एग्जांपल मीटिंग के लिए टाइम निकाला तो वो काम हो नहीं पाया है, इसके लिए यहाँ पर नोनी आया है, तो मतलब मीटिंग कैंसिल हो गई है या कुछ ऐसा हो गया। तो देखते हैं इची जा काईगी ओ हजिमेमाशो का, तो ये गलत हो गया क्योंकि वो कहता है कि नोनी के बावजूद, और कहती है वो कह रही है कि चलो फिर मीटिंग शुरू करते हैं, तो ये गलत हो गया। नी ओकी नासारानाई दे कुदासाई, ये सही आंसर है, क्योंकि एक तरह से वो बंदा जो ये एक्सप्रेशन बोल रहा है आपने स्पेशली हमारे टाइम निकाला फिर भी हम ये नहीं कर पाए, तो इसका मतलब है कि वो एक तरह से सॉरी मांग रहा है, और ये सॉरी का ही रिप्लाई होता है कि किनी नासारानाई दे कुदासाई। असल में सॉरी का रिप्लाई होता है किनी शिनाई दे कुदासाई। किनी शिनाई दे का मतलब होता है आप इसकी ज़्यादा परवाह मत करो, ज़्यादा बॉदर मत करो, कोई बात नहीं, इट्स कम्प्लीटली ओके, इस ये होता है, तो शिनाई का ऑनरिफिक बन गया नासारानाई। तो यही इसका सही आंसर है कि आप डोंट बॉदर, आप परवाह मत कीजिए, इट्स कम्प्लीटली ओके। सम जिकान गा नाई नो दे सुमिमासेन, हाँ तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि वो कहते हैं जिकान गा नाई, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए वेरी सॉरी, तो कोई ऑफर नहीं कर रहा है वो सॉरी बोल रहे थे, इसका आंसर है सेकेंड।
फ्रेंड्स, मैं फील करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आता तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ट्रायल क्लास होती है N2, N3, N4, N5 सभी लेवल्स की। हमारे सेंटर का नाम है निहोंगो मैक्स, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया के अंदर लोकेटेड है। लेकिन स्टिल मेरी पूरी कोशिश रहेगी, चाहे आप यहाँ पर ज्वाइन करें या फिर ना करें, बेस्ट तरीके से अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो कोई भी लेवल 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होता। ऑल द बेस्ट।